प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और हम संतुष्टिकरण की। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी प्रधानमंत्री ने चुटकी ली। हमारे देश में हमने तुष्टिकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टिकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टिकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोदी तुष्टिकरण को समाप्त करके संतुष्टिकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा रास्ता तुष्टिकरण का नहीं है, हमारा रास्ता संतुष्टिकरण का है। सबका साथ सबका विकास ये मंत्र भी उसी तुष्टिकरण का महामार्ग है। लेकिन सपा कांग्रेस का इंडी गठबंधन घोर तुष्टिकरण में जुटा है। 24 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उस पर शत प्रतिशत, और ये मैंने पहले ही दिन कहा था, आज नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 100% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। मैं आज आपके पास विशेष रूप से आया हूं। मैं पहले भी आता हूं, आता रहा हूं, जहां जहां पहुंच सकता हूं पहुंचता हूं। लेकिन पहले जब मैं आता था तो कुछ देने के लिए आता था, कुछ लेकर के आता था, कोई योजना लेकर के आता था, किसी के उद्घाटन के लिए आता था। लेकिन आज मैं आपसे देने के लिए नहीं, मांगने के लिए आया हूं। मैं आपसे विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।